हेयर की फ्रिजीनेस को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हेयर को डीप कंडीशनिंग करना। अगर हमारे हेयर डीप कंडीशनिंग नहीं होते तो हमारे जो हेयर हैं बहुत ही रफ, डल और फ्रिजी होने लगते हैं। बालों की जो शाइन है चली जाती है बालों में, जिसकी वजह से कोई चमक नहीं रहती, और ऐसी कंडीशन में हमारे बाल जो हैं बहुत ही झड़ने लगते हैं। अगर आप भी अपने हेयर की डलनेस, फ्रिजीनेस और रफनेस से परेशान हैं और लगातार हो रहे बालों के हेयर फॉल से परेशान हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन शेयर करूंगी, जिसकी वजह से आपको अपने हेयर की इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ में अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग दही डालेंगे। 2 से 4 चम्मच यहाँ पर हम दही का यूज करेंगे। दही जो होती है हमारे बालों को मुलायम और चमकदार बनाती है, बालों में जो सूखापन है उसको खत्म करती है, बालों का झड़ना कम करती है, और अगर हेयर की रूट्स में डैंड्रफ की समस्या है तो उसको खत्म करती है, साथ ही हेयर की ग्रोथ को बढ़ाती है। दूसरा, इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे। एलोवेरा जेल जो होता है वो बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करता है। यहाँ पर आप मार्केट वेस, अगर आपके पास एलोवेरा है तो आप मार्केट वेस का यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्लांट वेस एलोवेरा अवेलेबल है तो उसका भी यूज यहाँ पर आप कर सकते हैं। एलोवेरा हमारे हेयर की ड्राइनेस को खत्म करता है, हेयर की रूट्स को मॉइस्चराइज करता है, जिसकी वजह से रूट्स में डैंड्रफ और इचिंग की समस्या नहीं होती है। अगर हेयर की जो रूट्स है बहुत ही ऑयली है तो ये हेयर रूट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डीप क्लीन करता है, बालों को शाइनी बनाने में बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए, और बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूती देता है। अब तीसरा, इसमें हम कोकोनट ऑयल डालेंगे। कोकोनट ऑयल सर्दियों में अगर आपके पास जमा हुआ है तो आप मेल्टेड कोकोनट ऑयल का यूज यहाँ पर करें, जमे हुए ऑयल का यूज इसमें ना करें। कोकोनट ऑयल का यूज अगर हम अपने हेयर में करते हैं तो ये हमारे हेयर को डीप कंडीशन करता है, हेयर में बहुत ही अच्छी शाइन देता है, रूट्स को बहुत ही मॉइस्चराइज करता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल की समस्या खत्म होती है, और साथ ही हमारे बालों को बहुत ही अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड कराता है। लास्ट में यहाँ पर हम थोड़ा सा हनी इसमें डालेंगे। हनी का यूज अगर हम अपने बालों में करते हैं तो ये हमारे हेयर से डैंड्रफ की परेशानी को खत्म करने में हमारी हेल्प करता है, बालों के टूटने की परेशानी को खत्म करता है, और हमारे जो हेयर होते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रांग बनाता है। अगर हमारे बालों की जो स्कैल्प है ड्राई है तो ये हमारे हेयर की जो स्कैल्प है उसकी ड्राइनेस को खत्म करता है, स्कैल्प का पीएच बैलेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतर बनाता है। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि डैंड्रफ या इचिंग की समस्या हमारी स्कैल्प में होने नहीं देती। इन सबको बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से इनको मिक्स करने के बाद हम इसका यूज अपने ऑयलिंग किए हुए हेयर में भी कर सकते हैं। अगर हमने अपने हेयर में पहले से ऑयलिंग की हुई है तब भी हम इसका एप्लीकेशन अपने हेयर में कर सकते हैं। अच्छे से इसका एप्लीकेशन हम अपनी हेयर रूट में करेंगे। अच्छे से हेयर रूट पे करने के बाद इसका एप्लीकेशन अपने बालों की लेंथ पर भी करेंगे। सारे रूट से लेकर लेंथ पर पूरी तरीके से अप्लाई करने के बाद इसको हम अपने हेयर पे 1 से 1.5 घंटा, अगर आपके पास समय है तो आप लगा रहने दें, अदरवाइज 1.5 घंटे बाद भी आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं शैम्पू के साथ में। अगर हमारे बाल बहुत ही डल, रफ या फ्रिजी हैं तो वीक में अगर हम 2 बार इस हेयर मास्क का यूज अपने हेयर पे करेंगे तो ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिल्की शाइनी बनाएगा, हमारे बालों की फ्रिजीनेस को खत्म करेगा और हमारे बालों का जो रफपन है ये उसको दूर करेगा। अगर आप अपने हेयर की इन सारी प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं तो इसका रेगुलर बेस पे यूज कीजिए, बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे अपने हेयर पे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ में साथ वाला जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा। इससे क्या है, आगे फ्यूचर में जो भी रेमेडीज मैं शेयर करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। वीडियो में आके कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये जो रेमेडी है आपको मेरी कैसी लग रही है। इससे क्या है, और अच्छी अच्छी वीडियोस आगे आपके साथ में शेयर करने का मुझे मोटिवेशन मिल सकेगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।